क्लास 8th की फर्स्ट और सेकंड यूनिट कंप्लीट हो चुकी है और वर्कशीट भी हमारी 1 to 4 हो चुकी है अपने चैनल पे। और वर्कशीट हम स्टार्ट करेंगे अब थर्ड, इसके अंदर चैप्टर 2 ही है, एक तो प्राइमरी एक्सिलरी और है एक मोटास एक्सिलरी। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं इसका। फर्स्ट चैप्टर है हमारा प्राइमरी एक्सिलरीज, इसके अंदर आपको फंक्शन इसके दिए हुए हैं और एक टेबल भी दी हुई है कि जैसे आपका वर्ब कॉम्बिनेशन है, ये वाज और ये वीविंग है, ये आईएनजी लगा हुआ है तो ये किस में चला जाएगा, कॉन्टिन्यूस में, और ये वाज है हमेशा पास्ट के लिए यूज होता है। नेक्स्ट में जैसे हैव मेड, ये जो सा हैव और हैज आता है ये दोनों हमेशा परफेक्ट को शो करते हैं और प्रेजेंट के परफेक्ट को, अगर हैड होता तो वो पास्ट के परफेक्ट के लिए होता और ये हो जाएगा हमारा प्रेजेंट का। ठीक है, और इज है ये वर्किंग है, आईएनजी आ गया तो ये कॉन्टिन्यूस में जाएगा और प्रेजेंट के, अगर वाज और वर होता तो ये पास्ट का माना जाता। जैसे ये वर है, ये कुछ पूछ रहा है तो डिड है, हमेशा ये क्वेश्चनिंग के लिए होता है, डू भी अपा कभी नेगेटिव के लगा देते हैं जैसे डोंट वगैरह, थ्योरी आप देख ही लोगे। एक्सरसाइज करते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एक्सिलरी वर्ब ऑल्सो इन योर नोटबुक, राइट व्हाट फंक्शन ईच ऑफ देम परफॉर्म। जैसे फर्स्ट में है इट वॉज ए ग्रेट ट्रिप, ये जैसे हमारे क्वेश्चन टैग नहीं थे वैसे ही है, अगर ये पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव आएगा आंसर में, अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव आएगा। और सबसे पहले हम ये वर्ब लगाएंगे वाज, फिर नोट आ जाएगा, फिर इसका सब्जेक्ट, मतलब कि स्टार्टिंग के जो से 3 होते हैं बस उन्हीं में ही बात होती है। अब ये इसका उल्टा करेंगे, वाज नोट इट हो जाएगा। सेकंड में है लेट्स गो स्विमिंग शैल वी, थर्ड है आर यू अटेंडिंग द पार्टी टुमारो, ये इफ यू हैव नो टाइम फॉर योर चाइल्ड हु हैज, तो किसके पास है, डू यू लाइक टू रीड पोइट्री, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन और आंसर वाले भी इसी के अंदर डाल दिए तो इसमें आ जाएगा यस आई डू। सिक्स हैव यू अप्लाइड फॉर द जॉब, इसमें हो जाएगा यस आई हैव। फिर वही क्वेश्चन टैग हेमा लुक्स अनवेल, तो ये हो जाएगा डज नॉट, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या आएगा नेगेटिव, डज नॉट शी, ये कम्प्लीट है। इसके अंदर ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है, पहले तो है सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर डू या डज नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा डिड, फिर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर आ जाएगा नोट, और ये लड़का है तो यहाँ पर आ जाएगा ही, रमन प्लेड था तो यहाँ पर आ जाएगा डिड नोट ही। फिर से थ्योरी है, ये दिया हुआ है मेक सेंटेंसेस एज इंस्ट्रक्टेड एंड अंडरलाइन द